प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीव एनालिसिस, केमिकल ड्यूरेबिलिटी, विस्कोसिटी, साथ ही साथ डेंसिटी का मेजरमेंट देखे थे और क्या क्या एडवांटेज होता है ग्लास के लिए, इसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग इस प्रॉपर्टीज और टेस्टिंग को आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला जो ये है वो है थर्मल एक्सपांशन। किसी भी ग्लास के लिए थर्मल एक्सपांशन का क्या रोल होता है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। थर्मल एक्सपांशन कोफिशियंट क्या होता है? थर्मल एक्सपांशन कोफिशियंट एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है जो कि ये मेजर करता है कि जब हम लोग इसको हीट करते हैं, जब हम लोग टेम्परेचर को रेज करते हैं, तो कितना वॉल्यूम का चेंजेज आता है। वॉल्यूम का चेंजेज काफ़ी ज़्यादा आता है या थोड़ा बहुत आता है, इसके मेजरमेंट को ही थर्मल एक्सपांशन कहते हैं। तो वॉल्यूम चेंज होगा तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू डेंसिटी होता है, तो उसका डेंसिटी भी चेंज करता है। तो थर्मल एक्सपांशन कोफिशियंट को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इक्वल टू होता है डीवी अपॉन डीपी, वॉल्यूम चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम पर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, ये जो है हमें मेजर करके देता है थर्मल एक्सपांशन कोफिशियंट। थर्मल एक्सपांशन कोफिशियंट को मेजर करने के लिए हम लोग उस रॉड डिलाटोमीटर का यूज करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक डिलाटोमीटर होता है, उस रॉड डिलाटोमीटर होता है, और ये इसमें एक सिलिंड्रिकल सिलेंडर लगा होता है, एक सिलिंड्रिकल शेप का एक सिलेंडर लगा हुआ रहता है, और जो मटेरियल होता है वो उसका थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट इस सिलेंडर का जानते हैं। साथ ही साथ इसमें एक जो सिलेंडर बना होता है उसका हम लोग थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट नोन होता है, और इस सिलेंडर को हम लोग हीटिंग चेंबर के अंदर रख देते हैं। अब हीटिंग चेंबर के अंदर जब इस सिलेंडर को रखते हैं और जो मटेरियल को हमको मेजर करना है थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट, उसका रॉड बना करके इस सिलेंडर के एक एंड पर रख देते हैं। तो पूरे सिस्टम को अब हम लोग हीट करते हैं। जब सिस्टम को हीट करते हैं तो एक एक एंड में तो सिलेंडर है उस रॉड के, दूसरे एंड पर क्या करते हैं कि एक मेजरिंग डिवाइस लगाते हैं जो कि इसके जो जो सैंपल रॉड है इसके वॉल्यूम में यदि कोई चेंजेज आता है तो वो इसके डिफ्लेक्शन को मेजर करता है, या घटता है या बढ़ता है, तो ये इसके डिफ्लेक्शन को मेजर करता है और हमें मेजर करके अमाउंट बताता है कि कितना एमएम या कितना सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन हुआ टेम्परेचर चेंज के वजह से। तो अब क्या करते हैं कि हम लोग हीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हीटिंग स्टार्ट करने के बाद क्या होगा कि वो सैंपल चेंज होगा, साथ ही साथ सिलेंडर भी चेंज होगा, सिलेंडर का भी साइज चेंज होगा क्योंकि हीट कर रहे हैं तो उसका भी साइज चेंज होगा। और क्योंकि सिलेंडर का जो थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट है वो नोन है, तो वो डिवाइस अब मेजर करेगा कि रॉड का जो वॉल्यूम का चेंज हो रहा है कितना चेंज हो रहा है, और वो मेजर करके हमें फाइनली बता देगा।
फाइनली यदि यदि कोई भी चेंज नहीं होगा तो एपरेटस उतना ही मेजर करेगा जितना कि सिलेंडर चेंज होगा। यदि उससे ज़्यादा चेंज होता है तो एपरेटस जो है वो मेजर करके बताता है टोटल चेंज को। तो हम लोग टोटल चेंज माइनस सिलेंडर का चेंज करके निकाल सकते हैं कि कितना उस ग्लास के रॉड में वेरिएशन आया है थर्मल एक्सपांसन का। तो यही ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी ग्लास के रॉड का थर्मल एक्सपांसन कोएफिशिएंट।